हालात बहुत ज्यादा खराब है। कोलंबो की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आज विपक्ष ने पूरे श्रीलंका में प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। सोशल मीडिया को फिलहाल के लिए वहां बैन कर दिया गया है। कोलंबो से देखिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विवेक वाजपेयी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाला भारत का नंबर वन न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। उस श्रीलंका में जहां पर आजकल महंगाई की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है और जो लोग हैं यहां के वो बुरी तरीके से महंगाई की जाल में अकड़े हुए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त कोलंबो में मौजूद है और मैं जिस जगह से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो कोलंबो का सबसे पॉस इलाका है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और आप समझ सकते हैं। और आप पहले तस्वीरें देखिए, सुनसान सड़कें हैं, एकाध गाड़ियां जो आपको आती जाती दिख रही हैं वो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, टैक्सी नंबर है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि कोलंबो में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू इस वजह से लगाया गया है कि विपक्ष ने यहाँ पर बंद का ऐलान किया है, प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और इसकी वजह से श्रीलंका की सरकार ने सोमवार यानी कल तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया है। सारी सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क्स जितनी साइटें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे के सारे यहाँ पर सोशल मीडिया जो कनेक्शन है वो बंद कर दिए गए हैं और बहुत बुरी हालत है। महंगाई की मार इस कदर फैली हुई है कि मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ कि मैं जब कोलंबो एयरपोर्ट पर बाहर निकला तो यहाँ से जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ये यहाँ पर होटल है और यहाँ से कोलंबो एयरपोर्ट की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से भी कम दूरी होगी। और उस टैक्सी का किराया हमसे जो लिया गया, आप यकीन मानिए 5,000 रुपये हमसे इस 5 किलोमीटर की दूरी के लिए गए हैं। पानी की एक बोतल होटल में 100 रुपये की है, एयरपोर्ट के बाहर चाय 150 रुपये की मिल रही है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम आसमान पे हैं। और श्रीलंका अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर देख रहा है। भारत ने मदद पहुंचानी शुरू की है, 40,000 टन डीजल यहाँ पे भेजा गया है, चावल की मदद भेजी गई है। और कल का दिन और आज का दिन इसलिए और अहम हो जाता है कि पूरे विपक्ष ने यहाँ पर प्रोटेस्ट बुलाया है और इसी वजह से गोटवाया जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, कर दिया है। कोई नागरिक यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता है, सबको घर में रहने के लिए बोला गया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हैं और सबको बाहर निकलने के लिए मनाही कर दी गई है। सबसे बुरे दौर से श्रीलंका गुजर रहा है और इस श्रीलंका की इस दर्द भरी कहानी को TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाएगा, बताएगा कि कैसे चीन के जाल में फंसकर श्रीलंका की ऐसी हालत हुई है, यहाँ के क्या हालात हैं, कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत कैसे अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की मदद कर रहा है। उन तमाम खबरों को आपको आप तक हम लोग अब पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। कैमरामैन मदन सिंह के साथ विवेक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, कोलंबो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।